हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए टिन फेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ जो कि 3D और 4D से रिलेट करेगी। आपके DM का थॉट ब्लॉक हुआ है, बहुत मिसिंग एनर्जी फील हो रही होगी, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है तो फेक ID से आपको स्टॉकिंग चल रही है आपकी, आपके बारे या आपके फ्रेंड से, म्यूचुअल फ्रेंड जो हो सकते हैं आपके, उनसे इंक्वायरी की जा रही है आपके बारे में, आप कैसे हो या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है थोड़ा सा फेयर भी है, हेडक भी हो सकता है, ये सब ओवर थिंकिंग भी है क्योंकि वो अब आपको खोने से डर भी रहे हैं कि इतने दिनों से हमसे बातचीत नहीं हो रही, तो हो सकता है कोई हो रही है, अफेयर चल रहा है, कुछ ऐसी बातें सोच के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और कुछ DM और DF जो कि अभी न्यू बिगनर्स हैं, उनका तो रनर और चेजर वाले लूप में ही फंसे रहेंगे, सेपरेशन मोड आ सकता है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपने आप को देखना है कहाँ पर आप वीक पड़ रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने तरफ ध्यान दीजिएगा। साथ में न्यू मून की एनर्जी भी है, तो आपको कुछ हिडन इशू होंगे जो सरफेस पर आएंगे, आपको हील करने होंगे। बॉडी पेन हो सकता है, लोअर हायर हैवीनेस फील हो सकती है, आइज में हेडक हो सकता है, हार्ट पेन हो सकता है, थॉट में पेन हो सकता है, कॉल्ड और कॉफ लग सकता है, सैक्रल में पेन रहेगा। साथ में इको एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन जैसे इशू सरफेस पर आएंगे जो कि आपकी यूनियन के लिए ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, तो आपको उनको हील करना है। और न्यू बिगनिंग होने के चांस हैं, कॉल मैसेज आने के भी चांस हैं, लेकिन आपको ईगो से ऑपरेट नहीं करना है, यही ईगो आपके ब्लॉकेज क्रिएट करता है। एक्सेप्टेंस मोड पर आना है, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और उसे हील करते रहो। हो सकता है आपकी थर्ड आई पर वाइब्रेशन फील हो रही हो क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है, तो आपको इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ गई होगी, आपको अब अच्छे से हर चीज़ को देख सोच समझ के कर पा रहे होगे, तो आप को कुछ एंजल्स गाइडेंस भी दे रहे होंगे आपके ड्रीम में आके, और कुछ नंबर सिंक्रोनिसिटीज, कुछ फैदर या कुछ बर्ड्स आपको इस तरफ दिख रहे होंगे, तो आपको उन सबको साइन को नोट करना है, जो ड्रीम आ रहे हैं उनको डिकोड करना है। अगर नहीं डिकोड करना आता तो आप कमेंट में डाल दीजिए। पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है, पेशेंस रखना है, मैनिफेस्ट करना है जो आपकी विशफुलमेंट है, क्योंकि 8 पोर्टल है, साथ में न्यू मून भी है, तो मैनिफेस्टेशन का टाइम है, तो आज से आप शुरू कर दीजिए जो अभी आपकी विश है। पॉजिटिव थॉट रखकर ही करना है, नेगेटिव मत करना, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो ऐसी थॉट रख के करोगे वैसे ही मैनिफेस्ट होगा। तो आपके लिए गाइडेंस है हार्ट चक्रा, थॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, एक्सेप्टेंस मोड में आना है, अवेयरनेस में आना है, ग्राउंडिंग करते रहना है, इनर वर्क करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, गॉड, एंजल एंड एंसेस्टर को थैंक यू सो मच।